हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हो। शिप्रा गारू होममेड किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए, ये सब देख के आपको क्या लगता है हम क्या बनाने जा रही हूँ? आज एक नया डिश लेके आपके सामने मैं आई हूँ। देखिए ये सब क्या है, हम आपको बताती हूँ। ये है फरसे फिश, इसे बोलते हैं फरसे फिश। हम आज बनाने जा रही हूँ, सस्पेंस ज़्यादा नहीं रख के आपको मैं बता रही हूँ। आज मैं हम बनाने जा रही हूँ सरसों फरसे, इसे बोलते हैं सरसों, इसे बोलते हैं, इसे सरसों बोलते हैं। ए काला सरसों, ए पीला सरसों, कोई इसको राई बोलते हैं, कोई इसको मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं। तो ये पीला और काला दोनों सरसों हमको लगेगा। तो हमने क्या किया है, ये पीले सरसों 2 चम्मच लिया और काले सरसों इसको मैं 1.5 चम्मच लिया, लेके इसका मैंने पेस्ट बनाया। ये है इसका पेस्ट। तो पेस्ट के अंदर मैंने डाली हूँ 2 हरी मिर्ची, 1/2 चम्मच नमक डाल के हमने पेस्ट बनाया। ये डाली इसलिए हूँ, तो ये डाल के पीसने से ये जो सरसों है हम भाजी में डालेंगे फिश में, वो कभी कड़ू नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने ये हरी मिर्ची और नमक डाल के इसको पीसी है। कोई कोई बोलते हैं मिक्सर में राई पीसते नहीं है, लेकिन पीसते हैं, उनको जानकारी नहीं है किसी किसी को। इससे पहले सूखा मिक्सर में घुमाने का, फिर पानी डाल के इसको घुमाने से मस्त पेस्ट बन जाएगा। देखिए एकदम मस्त पेस्ट बन गया है, एकदम अच्छे से बन गया है। तो चलो आइए आगे हम बताते हैं क्या करना है। हम गैस में तवा रखी हूँ, तो इसमें हम तेल डालेंगे। पहले तेल हमने डाली हूँ, तो हम पहले ये फरसे फिश में हल्दी और नमक लगा के मैरिनेट करके रखी हूँ थोड़ा टाइम। ऐसा मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम रखने का ज़रूरत नहीं, आप साथ में बना सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने हल्दी और नमक लगाया है इसमें, तो हम फ्राई करने जा रही हूँ इसको। हमारा तवा गर्म हो गया है, हम डाल रही हूँ फिश। और ये बनाने के लिए जो जो हमको इंग्रेडिएंट्स लगता है वो हमको बता रहा, वो आपको बता रही हूँ मैं। ये हरी मिर्च 4 लगेगा, और ये हल्दी 1/2 चम्मच है, हरा धनिया है, और ये टमेटो है, और 1 चम्मच सूखी लाल मिर्च का पाउडर है, ये अनियन है, और ये लेमन है, और हमको स्वाद अनुसार नमक लगेगा, और मस्टर्ड पेस्ट है ये, और बनाने के लिए तेल तो लगेगा ही। अब देखिए ये कैसा बनाती हूँ मैं, आप देखते जाइए। पहले फिश फ्राई होने दीजिए अच्छे तरीके। कभी भी फिश फ्राई करना है तो तवा अच्छे से गर्म करना है। तवा अच्छे से गर्म करके फिश डालोगे तो कभी फिश टूटेगा नहीं, एकदम अच्छे से पकेगा, फ्राई होएगा। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। इस सेकेंड स्टेप के लिए हम बताती हूँ, आगे देखें। ये जो हमने आपको बताया हूँ जो फिश टूटेगा नहीं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तेल अच्छे से गर्म करके कभी भी डालना है, कब भी नहीं फिश टूटेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये लाल होने आया, और थोड़ा हम फ्राई करेंगे इसको। ये आपको ऐसा नहीं जो फरसे फिश से आप सरसों फिश बनाओ, ऐसा नहीं, कोई भी फिश से आप बना सकते हो, जैसा कि पॉम्पलेट, ऐसा वो पॉम्पलेट से भी बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बहुत अच्छा लगेगा स्वाद। कोई भी फिश से आप ट्राई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा फिश फ्राई हो गया है, हम निकाल लेते हैं इसको। ग
करके हम इसमें तेल, वही तेल में हम ऑनियन डाल देंगे। इसमें से ऑनियन को लाल करेंगे अच्छे से। जैसे कि फ्रेंड देखिए हमारा ऑनियन लाल हो गया है, हम उसमें डालेंगे एक लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी आधा चम्मच वो मैंने डाल दिया इसमें, और दो ग्रीन चिल्ली चार मैंने डाला, इसे थोड़ा सा सौते करना है। फिर हमने अभी मस्टर्ड का पेस्ट डालूंगी। अभी मस्टर्ड पेस्ट मैंने डाल दिया। इसमें ज्यादा रस, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने सरसों का पेस्ट डाल के इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा उबाल आ रहा है, उबाल आने दीजिए थोड़ा। हाँ मैंने अभी इसमें ये उबाल आया है, ये फिश मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। फिश डाली हूँ, टोमेटो पहले इसीलिए नहीं डाली हूँ, ये फिश के ऊपर ऐसा टोमेटो डाल दूँ ऐसा। ये डालने से इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, ये फिश के साथ टोमेटो भी पकेगा और ऊपर से ऐसा ही रहेगा, आखर रहेगा, ये खाने में बहुत टेस्ट लगता है ऐसा। थोड़ा इसको फिश को हम उबलने देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। फ्रेंड्स देखिए हम खोल रही हूँ, ये उबल रहा है तो हम इसमें सॉल्ट डालूंगी स्वाद अनुसार। और थोड़ा पकने देते हैं, ढक्कन लगा देते हम। हेलो फ्रेंड्स मैं ढक्कन खोल रही हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा बना है, पका है अच्छे से एकदम मस्त। तो अब ये बन गया है। मस्टर्ड सीड्स थोड़ा ज़्यादा डालना इसलिए पड़ता है, इसका जो फ्लेवर आना चाहिए मस्टर्ड सीड्स तो अच्छा लगेगा। तो हम इसके ऊपर अभी एक ट्विस्ट डालने जा रही हूँ, ये जो लेमन है मैं इसके ऊपर रस डालूंगी। ये डालने से खाने में टेस्ट इतना बढ़िया आएगा, मतलब आप एक बार टेस्ट कीजिएगा, बना के खाइएगा, मालूम पड़ेगा कैसा। ये लास्ट में ही डाला जाता है लेमन का जूस, पहले से नहीं डालना है, पहले से डालोगे तो कड़वा बन जाएगा। और मेन तो फ्लेवर है ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मैं थोड़ा सा डाल दी, ये डालने से और अच्छा एकदम उबार के आएगा ये सब। और ये अभी एकदम तैयार है, मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए ना हरा धनिया मैं डाल दी। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए हमारा ये फरसे सरसों रेडी है, एकदम बहुत ही अच्छा बना है। आप देखिए, आप
इसको अच्छा लगे आप कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी बहुत अच्छा लगता है इसका, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। और हमारा ये रेसिपी आप लोगों को सबको अच्छा लगा तो हमारे लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल में बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।